हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सुथामा गेमिंग में। तो आज फाइनली बहुत दिनों बहुत महीनों को वेटिंग के बाद फौजी गेम रिलीज हो चुका है। और आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले अब गाइस आप मेरा गेम प्ले देख लो, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा क्या क्या ग्लीचेज है, नेक्स्ट अपडेट में ज्यादा अच्छा होगा। और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये गेम प्ले और क्या क्या अपडेट आप चाहते हो, क्या क्या ग्लिचेस आपको हो रहा है। मेरे में काफी सारे ग्लिचेस हुआ था जब मैं बिग गेम खेल रहा था, बट उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो पहले गेम प्ले देखते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं क्या क्या कमियां हैं इस गेम में और क्या क्या अच्छाइयां हैं। जहां एक घुसपैठिया होता है वहां और भी होते हैं। Give up before we make you. कॉर्पोरल, तुम कहाँ हो? मैं अपनी टीम को ढूंढ लूंगा और फिर हम इन बेहुदा लोगों को वापस घर भेज देंगे। अब और घुस बैठिए, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने जितना सोचा था हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। एक और कैंप, ये कोई आम बॉर्डर पेट्रोल तो नहीं? तुम कायरों ने मेरे आदमियों को कहां छिपा रखा है? तुम हमेशा तो नहीं भाग सकते।
शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। फौजी कभी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता। बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। LAC लगता है आज मुझे LAC के उस पार जाना होगा।
मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एल, लगता है आज मुझे एलिसी के उस पार जाना होगा। मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें एल, लगता है आज मुझे एलिसी के उस पार जाना होगा। एक आखिरी कोशिश और फिर हम सब घर जा सकते हैं। वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें एल, लगता है आज मुझे एलिसी के उस पार जाना होगा।
तो जैसे कि आप लोगों ने बहुत लोग गेम प्ले देखा होगा और इवन खेला भी होगा, तो इसका रिव्यू का अगर हम बात करें तो काफी सारा ग्लिचेस है। स्टोरी लाइनअप अच्छा है बट थोड़ा बहुत अपडेट का जरूरत है ही ऑब्वियसली। कहीं कहीं ग्लिच हो जाता है, जैसे कि अगर आप फाइट ले रहे हो तो आप फॉल बैक नहीं कर सकते वहां से, आपको फाइट कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा, चाहे वो 10 बंदा है चाहे 50 बंदा है। आई नो आर्मी है, सोल्जर है, वो फॉल बैक नहीं करते हैं, बट ये गेम है। गेम का बात करें, गेम लिटरली अच्छा है, फाइट बहुत तगड़ा है, लेकिन थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। फर्स्ट अपडेट तक फ्रस्ट्रेटिंग है, अगर फर्स्ट अपडेट या सेकेंड अपडेट में सब ठीक हो जाएगा तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग कम हो जाएगा। और बार बार चेक पॉइंट पर सेव नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर आप एक से दूसरा चेक पॉइंट जा रहे हो तो वहां पर आपका सेव नहीं हो रहा, आपको प्रीवियस चेक पॉइंट भेज दे रहा है। तो चेक पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑटो सेव होना चाहिए। एक बार आपका मिशन फेल हो जाता तो वो तो ठीक है, वो फिर से स्टार्टिंग हो जाता है, बट काफी सारा ग्लिचेस तो है। वो आई थिंक ये गेम क्रैश नहीं कर रहा फर्स्ट अपडेट, मतलब फर्स्ट डे गेम क्रैश नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा बात है। हैंड्स ऑफ टू डेवलपर्स। सो गेम लिटरली अच्छा है बट थोड़ा बहुत और अपडेट की जरूरत है। और एक बार और फाइट लेने टाइम कोई वीपन नहीं मिलता है, वीपन मिलता है तो वो एक कुल्हाड़ी बड़ा मिलता है जो कि टूट जाता है बहुत जल्दी, बट गन नहीं मिला, फौजी के पास गन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये होना चाहिए था, मे बी फर्स्ट गेम प्ले था। मैं हाफ ही खेला हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया थोड़ा बहुत तो मैं छोड़ दिया लिटरली, क्योंकि क्या हो रहा था, फाइट हो रहा था तो वो फॉल बैक नहीं कर रहा था, जैसे ही फाइट हो रहा है तो फाइट कंटिन्यूअसली होगा, फॉल बैक नहीं होता। और एनिमी को अगर आप मार रहे हो तो एनिमी ज्यादा पावरफुल है जो कि एक बात अच्छा है, बट एनिमी आपको 4 या 5 बार अगर मार दिया तो आप डेड, लेकिन एक एनिमी को आपको मारने के लिए 6 से 7 बार फाइट मारना पड़ता है, घुसा या फिर जो भी पंच करना होता है या फिर कुछ भी बहुत सारा चीज। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ग्लिचेस है, थोड़ा थोड़ा इशू है, तो शायद नेक्स्ट अपडेट में या फिर उसके बाद अपडेट में सही हो जाएगा, बट गेम अच्छा है। लेट्स सी अपडेट कैसे आता है, बिकॉज बहुत जल्द ये लोग गेम को लॉन्च कर दिए, थोड़ा और टाइम ले सकते थे, बट गेम तो काफी अच्छा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और ये लोग सारे गेम में सारे फोन में ये चलने वाला है, ये जस्ट लाइक अ फ्री फायर, जैसे फ्री फायर बहुत बड़ा है, नहीं है बहुत छोटा गेम है, सारा फोन में चल जाएगा और आप इसे आराम से खेल सकते हो किसी भी फोन में। अगर 2GB से ज्यादा रैम का आपका फोन है तो बहुत अच्छा चलेगा। और इसे एक चीज तो मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, प्लीज इसे पबजी के साथ कंपेयर मत करना, अदरवाइज ये गेम अच्छा नहीं होगा। अगर आप पबजी के साथ कंपेयर करोगे तो लिटरली आप डे वन आधा घंटा के अंदर इस गेम को अनइंस्टॉल करने वाले हो, तो प्लीज इसे पबजी के साथ कंपेयर मत करना और इसे फौजी ही रहने दो, ज्यादा अच्छा से इंजॉय करोगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले कोई गेम प्ले में।